मेरा नाम जुहेब और आप लोग देख रहे हैं साइंस एंड रियलिटी फैक्ट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्पीच बहुत जबरदस्त होने वाली है। डॉक्टर जाकिर नाइक से जो है सवाल हुआ है, मिसाल के तौर पे कि ईसाई और क्रिश्चियन, क्रिश्चियन और मुसलमान के दरमियान यानी कैसा रवैया होना चाहिए दोनों का आपस में, और अगर आपस में रवैया दोनों के रवैयों की बात करें तो मुसलमान किस तरह से ईसाई मतलब को मानते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब देते हैं इस सवाल का कि अगर मुसलमान में अगर कोई ईसाई यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो मुसलमान है ही नहीं, बल्कि वो साथ साथ ये भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं और ये बहुत सारे मुसलमान या अक्सर मुसलमान ये लोग जानते ही होंगे कि ईसाइयों से ज़्यादा ईसाई हम लोग हैं क्योंकि हम ज़्यादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हर वो बात को मानते हैं जो ईसाई खुद भी नहीं मानते। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्या मुसलमान इस्लाम के लिहाज से तमाम मजाहिब से ज़्यादा ईसाइयत से करीब है? अगर है तो हमारा रवैया ईसाइयों के साथ क्या होना चाहिए? जनाब जाकिर साहब, भाई साहब ने सवाल पूछा कि हमारा दीन इस्लाम सबसे करीब ईसाई मजहब से है तो हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए, और ये कुरान मजीद की आयत है सूरह माईदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते कि सबसे करीब आपके वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। सवाल है कि हमारा रवैया उनसे किस तरीके से होना चाहिए। हमारा रवैया, मैं कहता हूं क्रिश्चियन लोग से कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है। इस्लाम एक वाहिद दीन है, वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है, और हमारे लिए कंपलसरी है, फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें। अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा फर्ज है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम यह मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहाना व ताला के बहुत बड़े पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे ट्रांसलेट करते हैं कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना कोई वालिद के हुई एक मौजदा से, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अंधों को रोशनी दी, और जो लोग को कोढ़ हुआ था उन्हें ठीक किया। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे हैं, लेकिन फिर आपस में इख्तिलाफ कहां? इख्तिलाफ है कि कई ईसाई, बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं, दावत की मास्टर की, मास्टर की जिसे कहते हैं कि मास्टर चावी, जैसा मैंने कहा तकरीर में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, को अहले किताब से तालव इला कलमतिन सवा इम बैन बैनकुम, हम और आप उस बात की तरफ आए जो हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्ला, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुशरिका बिही शैय्या, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करी। ईसाई मतलब में बहुत सारी जगह पे ये कहा गया है कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ईसाई मतलब में मना भी किया गया है, लेकिन ईसाइयों से ज़्यादा मुसलमान उस बात उन बातों पर अमल करते हैं, जैसे कि अल्लाह एक है और उसका कोई माबूद नहीं, इस बात को मुसलमान मानते हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें खास तौर पर ईसाई मतलब में मना की गई हैं, मिसाल के तौर पर शराब पीना, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ईसाई मतलब में फिर भी इन चीज़ों को किया जाता है और मुसलमान इसको नहीं करते। तो इसलिए बार बार जो है मैं आपको यही बात बताऊंगा कि ईसाइयों से ज़्यादा जो है मुसलमान ईसाई मतलब को मानते हैं, यानी अगर ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अगर कोई नहीं मानता तो वो मुस्लिम भी नहीं है खास तौर पे। वैसे भी हम सारे पैगंबर की रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी पैगंबर आज तक दुनिया में आए, 1,24,000 पैगंबर जो उतारे गए, तो हमारे लिए सारे जो है बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए सारे जो है सब रिस्पेक्टफुल हैं। लेकिन फिर आपस में इख्तिलाफ कहाँ? इख्तिलाफ है कि कई ईसाई
बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं। दावत की, मास्टर की, मास्टर की जिसे कहते हैं कि मास्टर चावी, जैसा मैंने कहा तकरीर में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालू इला कलमतिन सवा इन बैन बैनकुम, हम और आप उस बात की तरफ आए जो हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुशरिक बिही शैयं, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। मेरा यह दावा है कि आप कहीं भी बाइबल में पढ़िए, बाइबल में कहीं भी यह जिक्र नहीं है साफ अल्फाज में, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, जिसमें ईसा अलैहि सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। आप बाइबल पूरी पढ़ लालिए, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है साफ अल्फाजों में कि ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। और ये मैं दावा करता हूं, कोई भी ईसाई मौजूद है अगर मुझे बाइबल में से एक भी वर्स दिखाए साफ अल्फाजों में जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप को फांसी पे लगाने को तैयार हूं। बाकी मुसलमान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस्लाम और दिगर मजाहब का तालिबे इल्म हूं। मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, कहीं भी जिक्र नहीं कि ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं साफ अल्फाज में कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं अल्लाह के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 20 में, क्या मैं अल्लाह की उंगली के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में आयत नंबर 30 में, मैं जो भी जजमेंट करता हूं अल्लाह के जरिए करता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो भी मैं सुनता हूं वो कहता हूं, और जो भी अल्लाह की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। और जो भी शख्स कहता है कि जो अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी है वो मुसलमान है। तो ईसा अलैहि सलाम मुसलमान थे, उनने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। हालांकि क्लियर अल्फाज में लिखा गया है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू By wonders and miracles which God did by him and you are witness to it. इसमें लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में के, ओ यहूदी लोग, ए इज़राइली, आप सुनो, ईसा अलैहि सलाम एक नसारा थे, वो एक आदमी थे, और अल्लाह सुबहाना व ताला ने उन्हें आप लोगों के बीच में से चुना और अपने करामात के जरिए, अपने आयात के जरिए अपने निशानी दिखाई। तो इस बाइबल के वर्स में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम ईसा अलैहि सलाम एक आदमी थे और अल्लाह सुबहाना व ताला ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से और अपने करामात के जरिए उसने निशानी दिखाई। और जब ईसा अलैहि सलाम से कहा गया था कि सबसे पहली चीज क्या मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा जो लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदना हिनो अदना खद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसकी मानी है कि इज़राइल
आप समझ लो कि अल्लाह एक ही है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सारे हवाले देकर समझाने की कोशिश करी, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ये कहते थे कि मैं शैतानों को अल्लाह की मदद से भगाता हूँ या दूर करता हूँ, और अल्लाह जो कहता है वही करता हूँ, और अल्लाह की हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी हवाले दिए कि वो इसराइली कौम को भी यही कहा करते थे कि तुम लोगों के बीच में से ही मुझे चुना गया है, यानी वो एक आदमी ही है, आम आदमी, उन्होंने खुद को कभी गॉड नहीं कहा, उनकी अपनी किताबों में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो वो साथ साथ जो ये भी बता चुके हैं पहले भी कई बार, और जो सही मुस्लिम नॉलेज रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एज अ मुस्लिम थे, क्योंकि वो भी अल्लाह को ही मानते थे, तो जो अल्लाह को मानता है वो मुस्लिम होता है, और अल्लाह का कोई मबूद नहीं, इस चीज़ पर जो ईमान लेकर आता है वो मुसलमान ही कहलाता है। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, तालु इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, जो आप और हम में यकसा है उसके ऊपर तो बात माने। और मैंने एक लेक्चर दिया है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, जो चीज एक जैसी है ईसाई और इस्लाम मजहब में, उसके बारे में जिक्र किया मैंने। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना चाहिए, कुरान में भी लिखा हुआ है, हम मुस्लिम नहीं पीते, ईसाई लोग पीते हैं। बाइबल में लिखा है चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8, खंजीर मत खाओ, कुरान में भी लिखा है खंजीर मत खाओ, मुसलमान नहीं खाते, ईसाई लोग खाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि रिबा मत लो, इंटरेस्ट मत लो, कुरान में भी लिखा हुआ है, हम मुसलमान नहीं लेते, क्रिश्चियन लोग लेते। बाइबल में लिखा हुआ है हिजाब के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है जिस तरीके से कुरान और हदीस में लिखा है हिजाब के बारे में, उसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है। लेकिन बाइबल में एक दर्जा आगे है, बाइबल में लिखा हुआ है फर्स्ट कोरिंथियन में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 6 से 11 में लिखा गया है, अगर कोई भी खवातीन अपना सिर खुला रखती है उसके सिर को मुड़वाओ। कई हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर उनकी किताब पढ़ेंगे, उनके किताब में हिजाब ऐसा है, हमें उनसे कहना चाहिए कि आपकी किताब पढ़ो, आपके किताब में लिखा है खवातीन को हिजाब करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं करते। आप अगर देखेंगे फोटो मदर मेरी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिमा जैसी लगती है, मुस्लिमा थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, हमें उनकी किताब पढ़ना चाहिए हिदायत के लिए, ताकि हम उनसे दावत कर सके। हिदायत के लिए कुरान और सही हदीस काफी है, और कोई किताब की जरूरत नहीं। लेकिन दावत के लिए कुरान में लिखा है, हदीस में भी लिखा है कि हम किताब का इस्तेमाल कर सकते, ताकि हम उन्हें इस्लाम की तरफ ले आए। चूंकि एक इल्मी महफिल है, जैसे हमारे मोहिद्दीन साहब ने आपसे गुजारिश की कि आप गौर से सुनने की कोशिश कीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर किसी नाराबाजी की इजाजत नहीं है, और अगर कोई नारा लगेगा भी तो स्टेज से लगेगा। अब दूसरा सवाल है, क्या हम गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों में शमूलियत नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर बाहिमी भाईचारा बढ़ाने की सूरत क्या हो सकती है? जनाब जाकिर साहब, सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्योहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्योहार आते हैं गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्योहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्योहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्योहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्योहार में जाके शिर्क ना करें, शरीयत को ना तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्योहारात में, शिर्क नहीं करता लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लाइक लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोका कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराब ही पी रहे ना। तो शराबी का साथ देना भी हराम है, लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो, तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूं
बॉम्बे में जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो मैं मजहब में अलाउड नहीं, खुल्लम डायरेक्ट दावा देता हूं ये शराब हराम है, और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड वेरी नाइस अच्छा कर रहे, डरते क्या मिनिस्टर भी ओन दो, डरने का नहीं, अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगे हमें, और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना, और वो ही लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी, दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं, कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिकर करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है, तो जिक्र करना चाहिए त्यौहार में। त्यौहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्यौहार में आप दावत कर सकते, तो आपको त्यौहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्यौहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। तो त्यौहार में अगर आप दावत दे सकते हैं आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है, लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्यौहार से दूर रह दी। जब आप वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है उस दिमाग की तरफ जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है वो रुक जाता है, तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने के वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप या स्टनिंग कहते हैं स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं, और जब हम उनके ज़बह करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बीहा हलाल है और झटका हराम है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी कॉलेज लाइफ की भी एग्जांपल दी, उन्होंने बताया कि वो एक मेडिकल कॉलेज में थे, उस वक्त जब वो बयान देते थे तो उनके सारे जो भी दोस्त थे मुसलमान वो भाग जाया करते थे, लेकिन वो खड़े रहते थे। तो वही कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी बात करो इस्लाम का पैगाम फैलाओ, जैसे कि इस्लाम में कहा भी गया है जगह जगह इस्लाम की दावत देना चाहिए, ना कि किसी पे ज़बरदस्ती करना चाहिए, इस्लाम में ज़बरदस्ती का हुक्म कहीं नहीं दिया गया। वो ये बताना चाह रहे थे कि इस्लाम की दावत देना चाहिए और हिकमत के साथ देना चाहिए, यानी सही दलीलों के साथ आपको जो है इस्लाम की दावत देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला शख्स आप पे कभी ना कभी यकीन ज़रूर करेगा, क्योंकि जब आपके पास सारी दलाइल मौजूद होंगी तो आप पे ज़रूर सामने वाला जो यकीन करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त रही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।